नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार स्वागत है। फ्रेंड्स, 12th बाइपार्टाइट के निगोसिएशन कमेटी की मीटिंग आज बॉम्बे में थी और उसका जो एक मैसेज शेयर किया गया है, इसमें मैसेज फ्रॉम यूपीओ, टुडे देयर वाज डे लॉन्ग नेगोशिएशन विथ आईबीए। आईबीए इंप्रूव देयर ऑफर टू 16%, बट दिस कुड नॉट बी एग्रीड बाय अस। वी रिक्वेस्टेड आईबीए टू इंप्रूव देयर ऑफर। वी आल्सो डिस्कस्ड अबाउट इंप्लीमेंटेशन ऑफ 5-day बैंकिंग एंड इंप्रूवमेंट इन पेंशन फॉर पास्ट रिटायरीज। वी हैव साइंड द मिनट्स ऑन ऑप्शन टू रिजाइनिंग टू ज्वाइन पेंशन स्कीम। सर्कुलर फॉलोज और CHVGS जनरल सेक्रेटरी AIBA और ऐसा ही मैसेज श्री रूपम राय ऑफिसर्स एसोसिएशन का भी आया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे दो बातें, दिन भर मीटिंग चली और उसके बाद IBA ने अपना ऑफर 15% से बढ़ाकर 16% किया और यूनियन इस बात पे एग्री नहीं हुई और फिर इम्प्रूवमेंट के लिए कहा। यहाँ पे मैं ये बात कहना चाहूँगा, मैंने पहले भी कहा था कि जब तक यूनियन अपने तरफ से अपना बेंचमार्क नहीं बनाएगी, IBA का ऑफर बढ़कर नहीं आएगा। मैंने ये भी कहा था कि 16% का ऑफर आएगा और आया। जब तक आप ये नहीं कहते हैं कि वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट बिलो 20 या 25, 22, जो भी आप एक जिनमीन आप डिस्कस करके डिमांड करते हो, IBA उसके आसपास तब आने की कोशिश करेगा, नंबर एक। नंबर दो, फिर आपने कहा 5-day बारे बैंकिंग के बारे में बात हुई, निष्कर्ष क्या निकला आप ये बताइए। नंबर तीन, फिर आपने कहा इम्प्रूवमेंट टू पेंशन फॉर पास्ट रिटायरीज। फिर यहाँ पे आपने एक क्लास लगाया, पास्ट रिटायरीज, प्रेजेंट रिटायरीज, रिटायरीज तो रिटायरीज, चाहे पास्ट हो चाहे प्रेजेंट हो, और ये क्लास लगा के हमेशा यूनियन, UOBU के यूनियंस, हम सारे रिटायरीज को हमेशा बार्गेन करते हैं। और चौथा, आपने मिनट साइन किया, वी हैव साइंड द मिनट्स ऑन ऑप्शन टू रिजाइन टू ज्वाइन पेंशन स्कीम। इस बारे में पूरा डिटेल हमें सर्कुलर आने के बाद ही पता चल पाएगा। ये एट ए ग्लांस है। यहाँ पे एक बात और कह दूं कि पब्लिक सेक्टर बैंक के जो प्रॉफिट क्वार्टर टू में आई है, दैट इज अप बाई 31%। क्वार्टर टू जो टंट इस वर्ष का है 33,643 करोड़ और लास्ट ईयर का था 25,684 करोड़। SBI 14,330 करोड़, बॉब 4,253 करोड़, कैनरा बैंक 3,606 करोड़, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 3,511 करोड़, इंडियन बैंक 1,988 करोड़, PNB 1,756 करोड़, बैंक ऑफ इंडिया 1,458 करोड़, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 920 करोड़, IOB 625 करोड़, CPI 605 करोड़, यूको बैंक 402 करोड़ और पंजाब एंड सिंह 189 करोड़। हमारा कहने का मतलब कितना है, हम 31% का ग्रोथ दिए तो हमें 16% का ऑफर आया। ये बैंकर्स के लिए अच्छा नहीं है और हमारे सबसे बड़ी गलती हमारे यूनियंस की है, जो हमारे हित के लिए कुछ नहीं कर सकती, न कर पा रही है।